हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रॉपिकल फिश क्रेज चैनल। दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है हमारे इस ट्रॉपिकल फिश क्रेज चैनल पे। आज फिर हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू नो इफ फिशेस हेल्दी और नॉट। दोस्तों, कैसे पहचाने कि हमारी फिशेस हेल्दी है या नहीं। दोस्तों, एक्वेरियम फिशेस की हेल्थ के बारे में पूरी तरह से अंदाज़ा लगाना कहना इतना आसान नहीं है कि फ़िश पूरी तरह से हेल्दी है। कई बार एक्वेरियम में फिशेस एक्टिव दिखती हैं, पर फिशेस में इंटरनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इंटरनल डिजीज़ होती हैं, जो फिशेस को धीरे धीरे बीमार सिक करती हैं। और जब तक फिश पूरी तरह सिक नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता। पर फिर भी कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जिससे पता किया जा सकता है कि फिशेस हेल्दी है या नहीं। ऑब्जर्वेशन करके, फर्स्ट है फिश एक्टिविटी। हेल्दी फिशेस ज़्यादातर पूरे एक्वेरियम में स्विमिंग करती रहती है, अपनी स्पीड में तैरती रहती है। अगर फिशेस एक जगह बॉटम में रुकी हुई है, स्लो स्विम कर रही है, तो हम समझ सकते हैं कि फिशेस सिक है। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिशेस की हेल्थ के बारे में पता करना, वो है ईटिंग हैबिट्स। एक हेल्दी फिश, जब आप टैंक में फूड देते हो तो तुरंत फिश सरफेस पे आकर फूड खा लेती हैं, और जब आप सिर्फ फिशेस के सामने फूड उठाते हो तभी फिशेस एक्टिव हो जाती हैं फूड के लिए। फिशेस की हेल्दी रहने की पहचान ईटिंग हैबिट से पता चलती है। अगर फिशेस फूड देने के बाद फूड नहीं खाती और बहुत देर से सरफेस में पहुँचती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि फिशेस के साथ और उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, हो सकती है। फिशेस कई रीज़न से फूड नहीं खाती है, पर हम इस वीडियो में आपसे ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिशेस की हेल्थ के बारे में पता करने के लिए, वो है फिश आई। फिशेस की आई को देखने से भी पता चलता है हेल्दी फिशेस का। अगर आई क्लियर और ब्राइट चमकती हुई है, तो हम मान सकते हैं फिशेस हेल्दी है, क्योंकि बीमार और सिक फिशेस की आई क्लाउडी होती है। फोर्थ है फिश स्केल। हेल्दी फिशेस के स्केल स्मूथ और क्लियर दिखाई पड़ते हैं। अगर स्केल रफ या स्केल में पैच, दाग धब्बे और रफ हैं, तो फिशेस में भी चांस टू फिशेस सिक और इल। दोस्तों, फिशेस को अगर साइन और सिम्टम पर रीड करके हम जल्दी ट्रीटमेंट दे सकते हैं और फिशेस को डेड होने से बचा सकते हैं। फिशेस ज़्यादा बीमार होने पर रिकवरी में टाइम लेती हैं। आप साइन और सिम्टम पे राइट ट्रीटमेंट करके फिशेस को मरने से बचा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे कुछ और फिजिकल और एक्सटर्नल बॉडी साइन हैं जो फिशेस की डिजीज़ को शो करते हैं। पैचेस ऑफ डिस्कलरेशन और ब्लीडिंग, विजिबल वॉर्म्स और पैरासाइट, गास्पिंग फॉर ब्रीथ, स्वेलन बैली, वाइट और ग्रे स्पॉट्स, फिन्स डैमेज, रेड और इन्फ्लेम्ड गिल्स। इन सारी डिजीज़ से फिशेस को बचाने के लिए हमें एक्वेरियम में एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिससे फिशेस को हेल्दी रख सकते हैं प्रॉपर एनवायरनमेंट देकर। मेंटेन प्रॉपर साइकिलिंग टैंक, वीकली वाटर चेंज 20-25%, ग्रेवल सीफॉन क्लीनिंग वंस अ मंथ, मेंटेन स्पीशीज आइडियल टेम्परेचर, गुड क्वालिटी फूड। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। फिशेस की हेल्थ के बारे में पहचानने के लिए हम पता कर सकते हैं इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर फिशेस हमारी हेल्दी है या सिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।